नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 28-29-30 पर चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेवमं सौजन्यं कृष्णो युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसृष्यति। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मैं इन अपने सौजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूँ तो मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं और मेरा मुख सूख जाता है। अर्थात अर्जुन अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान में देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, उनका शरीर कमजोर महसूस होने लगता है। इस श्लोक में हमें सीख मिलती है कि जीवन में कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णयों का प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ सकता है। व्याप्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीयं शस्त्रस्ते हस्तत्वच्च परिदाहयते। इस श्लोक में अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति को बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के मानसिक तनाव को दिखाया गया है जो उनके संकल्प को प्रभावित कर रहा है। नैचस्कनु में अवस्था तुम भ्रमात्वी वाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केश्व। इस श्लोक में अर्जुन मानसिक असमर्थता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मेरे मन का संतुलन बिगड़ रहा है, मैं विपरीत संकेत देख रहा हूँ, मैं इस युद्ध के नकारात्मक परिणामों को देख रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे।